हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है। तो नॉर्मल गार्डन और बॉटेनिकल गार्डन में सबसे पहले तो फर्क क्या है ये हम देखते हैं। नॉर्मल गार्डन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे प्लांट्स लगे होते हैं, काफी सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट्स होते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो काफी अट्रैक्टिव डेकोरेटिव लगते हैं, तो वो होता है नॉर्मल गार्डन। लेकिन बॉटेनिकल गार्डन में डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम बॉटेनिकल गार्डन में एंट्री करते हैं तो हमें कुछ यूनिक यूनिक प्लांट्स दिखते हैं। नॉर्मल प्लांट भी होते हैं, यूनिक प्लांट भी होते हैं, लेकिन हर प्लांट के आसपास में एक टैग लगा होता है, एक स्टिकर लगा होता है, एक प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया होता है। जैसे उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है और कॉमन नेम क्या है, उसको हम कहते हैं बॉटेनिकल गार्डन। वो नॉर्मल गार्डन से बिल्कुल भी अलग होता है। The main difference between normal garden and botanical garden is that when we are entering into any normal garden, we see around us there are number of beautiful flower, beautiful plants are there, and they are very attractive, they are very fragranceable. That's a sort of a normal garden. And in a normal garden, anyone can visit because it is for the display for the society. But botanical garden is not for display for the society. It is only for the research purpose. In botanical garden, you will see some plants. And all the plants will be labeled by particular plate. There will be particular plate, and that plate will have information about that plant, like a common name and scientific name. I'll show you one example. Suppose you visit to one plant, you visit to one botanical garden where this plant is available. So just close to this plant, there will be one plate will be there, and on that plate there will be two things. One will be scientific names. And second will be common name. Yes, this will be found in botanical garden, not in ordinary garden. Is it clear, guys? I would like to tell you who created the first botanical garden ever on the earth. Okay? So first botanical garden was created by one Italian professor. It is not given in our NCERT, and NCERT का ऐसे कोई संबंध भी नहीं है। मैं generally आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन एक इटालियन प्रोफेसर लुका गिनी ने बनाया हुआ था, जो कि है 1543 में एक इटालियन प्रोफेसर लुका गिनी ने सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन बनाया हुआ था, और वो बोटेनिकल गार्डन था पीसा इटली में। पीसा इटली तो आपने सुना ही होगा, जस्ट लाइक पिरामिड्स ऑफ पीसा, पिरामिड्स ऑफ यू कैन से जनरली जो पिरामिड्स होते हैं वो दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा होता है, वो अजूबे में बेसिकली उनको काउंट किया गया है, तो वो भी पीसा इटली में ही होता है। तो पीसा इटली जनरली लोगों ने सुना होता है। सो फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन वॉज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टेड बाई द इटालियन प्रोफेसर लुका गिनी इन 1543, एंड इट वॉज क्रिएटेड इन साइड द पीसा इटली। I would like to tell you which are the famous kind of botanical garden in our India as well as in the world. पूरे अगर botanical garden सबका अगर हम नाम लेते बैठे तो काफी difficult हो जाता है, काफी lengthy process हो जाती है। लेकिन मैं आपको कुछ famous नाम बता रहा हूँ जो हमारे NCERT में भी दिया हुआ है, just like a Indian botanical garden. It is located at Howrah, Kolkata. Howrah, Kolkata में Indian Botanical Garden है जो हमारे इंडिया में है। और गर्मी देखिए, Kew, it's found in England. England का काफी famous ये Botanical Garden है, जैसे हम कहते हैं Kew England। फिर उसके बाद आता है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट्स लोकेटेड एट लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो ये जो टीम है ये हमारे बेसिकली इसमें एनसीईआरटी में भी दिए हुए इनके नाम। तो अगर हम ये देखें कि पूरे बोटेनिकल गार्डन के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है या तो एसोसिएशन इंस्टीट्यूट है वो क्या है, तो मैं आपको दूसरे मार्कर से बता रहा हूँ, अदरवाइज सेम सेम कलर यूज करने से कंफ्यूजन काफी बढ़ जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन,
ऐसे कह सकते हैं इंटर नेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन मतलब ये सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी गार्डन हैं उन सब से, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन, दिस इज इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 1962। तो 1962 में जनरली ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन एस्टैब्लिश हुई थी। तो हमारे एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो 3.5 लाइन में बोटेनिकल गार्डन को खत्म कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया। फिर से एक बार एक शॉर्ट में समझ लीजिए, नॉर्मल गार्डन और बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंस ये है कि नॉर्मल गार्डन में आपको कभी भी प्लांट की साइंटिफिक नॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन बोटेनिकल गार्डन में मिलेगी। अगर मैं और दो तीन पॉइंट अगर ऐड करूं तो ये देखिए जो एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन अ नॉर्मल सॉरी इन अ बोटेनिकल गार्डन नाउ डेज यू विल गेट सम ग्राउंड प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, मीन्स इफ आई एम डूइंग सम इफ आई एम डूइंग पीएचडी इन बॉटनी एंड इफ आई एम डूइंग सम प्रैक्टिक इफ आई नीड सम लैंड स्पेस फॉर डूइंग प्रैक्टिकल वर्क, सो बोटेनिकल गार्डन ऑल्सो प्रोवाइड दैट। अगर मैं कोई पीएचडी कर रहा हूँ बॉटनी में तो बोटेनिकल गार्डन में मुझे कोई जगह भी मिल जाएगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो एक फायदा है। सेकंड, नाउडेज बोटेनिकल गार्डन आर ऑल्सो सप्लाइड विद अ ग्रीन हाउस, आजकल बोटेनिकल गार्डन में ग्रीन हाउस भी होते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तीसरी बात, बोटेनिकल गार्डन्स आर ऑल्सो सप्लाइड विथ यू कैन से डॉक्यूमेंटरी मटेरियल विच इज गिवन इन दी दैट बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट मौजूद हैं अवेलेबल हैं उन सभी प्लांट के डॉक्यूमेंटेशन मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन भी आजकल लाइब्रेरी में मिल जाती है, बोटेनिकल गार्डन की लाइब्रेरी में। नाउ डेज बोटेनिकल गार्डन्स आर ऑल्सो सप्लाइड विथ सीड कल्चर, जर्म प्लाज्म कल्चर, सीड कल्चर फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। आजकल बोटेनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट है उन प्लांट के सीड्स भी अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग सीड भी सेलिंग करते हैं। सो दिस इज बेसिक थिंग्स अबाउट द बोटेनिकल गार्डन।